मैं अभिजीत और ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है जो कि मैं आज पुणे के कोथरूड एरिया के अराई हिल्स पर आया हूँ। इसको बेताल टेडी भी बोलते हैं और ये मॉनसून वगैरह के टाइम में घूमने के लिए काफ़ी अच्छा जगह है। यहाँ पे बहुत सारी पेड़ पौधे हैं और जंगल टाइप का एरिया है, तो आपको घूमने में काफ़ी मज़ा आएगा। तो चलिए इसको एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं काफ़ी कैसा मज़ा आता है। यहाँ की वेदर देखो, वेदर भी काफी अच्छी लग रही है और यहाँ के सूखे पेड़ पौधे, पता नहीं अभी हरियाली तो है नहीं यहाँ पे, बट देखते हैं आगे, मजा तो काफी ज्यादा आ रहा है क्योंकि पुणे में ऐसे जगह घूमने के लिए बहुत कम मिलते हैं और खासकर पुणे में पार्क्स की बहुत कमी है, तो ये जगह आना बहुत बेनिफिट रहेगा, माइंड फ्रेश होगा आपका भी। आ जाओ घर से निकले थे और अराई हिल्स के फुट पे हम लोग ऑलमोस्ट 4 बजे पहुंचे और अभी आधा घंटा चलने के बाद 4:30 हो रहे हैं। अभी पता नहीं और आगे कितना जाना है, तो देखते हैं और आपको भी घुमाते हैं हमारे साथ साथ। देखो आप भी थक जाओ थोड़ा सा हमारे साथ, हम तो थक ही रहे। तो गाइस अभी आप ये रास्ता देख सकते हो, अभी इतनी दूर चलने के बाद मुझे ये रास्ता ही लग रहा है कि कुछ तो इंटरेस्टिंग है, बाकी काफी डेंस फॉरेस्ट वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पे। बस यहाँ पे जानवर नहीं मिलने चाहिए, वैसे तो है नहीं पहली बार आया तो गाइस थोड़ा सा डर लगता है, ऐसे डरपोक मत समझना मुझे, पर थोड़ा सा हूँ। तो गाइस लास्ट जंप जहाँ हमने रुके थे उसके बाद थोड़ा ही आगे हमने चला और हम टॉप पे आ गए हैं इस हिल्स के, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मंदिर है बहुत खूबसूरत सा और ये शायद अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो शायद इसको बनाया जाएगा अच्छी तरह से और ये टॉप है। अब हम यहाँ के बाद हम जाएंगे नीचे पानी वाली जगह पे, तो वहाँ भी आपको मैं घुमाऊंगा,
क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, तो हमारे साथ आप भी घूम ही लोगे तो देखेंगे वहाँ पे कितना मजा आता है। और ये जगह काफी अच्छी लग रही है मुझे, यहाँ पे पौधे तो थोड़ी हरियाली भी है और काफी शांत वातावरण है यहाँ पे, तो गाइस आपको आना चाहिए, मजा आएगा। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं टॉप पे वो लेक की तरफ, फाइनली हम यहाँ लेक के पास पहुंच चुके हैं और यहाँ का नजारा काफी अच्छा, काफी मस्त है गाइस। यहाँ पे चिड़ियों की चहकने की आवाज, आपको तालाब में यहाँ पे बतख दिख जाएंगे ये लेक में। और यहाँ का मौसम अभी तो धूप है, तो यहाँ पे धूप और जंग अंदर तो धूप भी नहीं दिख रही थी पेड़ पौधों की वजह से, तो यहाँ आपको दिखाते लेक की तरफ चलते गाइस। और ये काफी हम लोग को 45 मिनट लगे यहाँ तक आने में, अच्छा दृश्य था और वो देखने की वजह से हम थोड़ा शूट करना भूल गए वहाँ पे। अभी हम वापस जा रहे हैं पार्किंग में अपनी गाड़ी लेने, तो उससे पहले आपको ये बता देना चाहते हैं कि यहाँ का क्लाइमेट काफ़ी अच्छा है, और जो लोग फर्स्ट टाइम ट्रैकिंग करना चाहते हैं फर्स्ट स्टेप में, तो ये बहुत अच्छा जगह, काफ़ी ऊँचा नहीं है, उतार चढ़ाव ऐसा नहीं है, तो काफ़ी अच्छा रहेगा उनके लिए स्टार्ट करने के लिए। और ऐसे जो भी नॉर्मल भी लोग अपने माइंड फ्रेश करने के लिए और ऐसे आना चाहते फ्रेश, क्योंकि सिटी में ये जगह होना बहुत बड़ी बात है, तो यहाँ पे है तो मज़े ले लो, मैं तो इतना बोलूँगा। आगे का आप पे, आप देख लो क्या करना है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले ब्लॉग में मस्त वीडियो के साथ।